नगर निगम की साधारण सभा का कांग्रेस की पार्षदों ने बहिष्कार कर पुल पार्टी का विरोध जताया। सांसद रघु शर्मा के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी पार्षद कलेक्ट्रेट दफ्तर में एकत्रित हुए और नगर निगम की साधारण सभा का बहिष्कार किया। सांसद रघु शर्मा का कहना है कि अजमेर में सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन कर कार्य का बहिष्कार किया है, जिसके चलते पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है। ऐसी स्थिति में नगर निगम ने साधारण सभा का बहाना बनाकर बिरला सिटी पार्क में मौज मस्ती करने का काम किया है। कांग्रेसी इन सभी मौज मस्ती का बहिष्कार करते हुए साधारण सभा का भी बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा, जब तक सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं बनती और शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होती, तब तक कांग्रेसी पार्षद इसका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा 4 महीने की मेहमान है, दोहरा मापदंड अपनाएगी, जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वाल्मीकि समाज की हड़ताल चल रही है, पूरा शहर कचरे से अटा पड़ा है, आम आदमी परेशान है, और ये साधारण सभा की बैठक करके और बिड़ला पार्क में मौज मस्ती का कार्यक्रम बना रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। लोकतंत्र में जो हमारे चुने हुए पार्षद हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ भी उनका बहुमत है, और जिस तरह बीजेपी की सरकार दोहरे मापदंड अपना रही विकास के मामले में, तो हम लोग तो मजबूर होके बहिष्कार करने के अलावा हमारे पार्षदों के और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वही साधारण सभा में कांग्रेसी पार्षदों के बिना ही 22 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पास किया गया। महापौर धर्मेंद्र गहलोत का कहना है कि सबकी सहमति के बाद ही साधारण सभा का आयोजन किया गया था। कांग्रेसी पार्षद यहां पहुंचकर लोगों की समस्या पर चर्चा करते तो जनता को भी पता चलता। देखो, अगर कांग्रेस को बाइकॉट करना होता तो पहले कहीं ना कहीं 3 दिन पहले विरोध दर्ज करा देते। फिर किस कारण से उन्होंने बाइकॉट किया है ये हमारे पास तथ्य ही नहीं है। अब मेरे को कोई बताया गया नहीं कि क्यों बाइकॉट किया। आते सदन में अपना पक्ष रखते, कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उस पर अपना विरोध दर्ज कराते, कि उन्होंने बीजेपी के जो मंशा थी उस पर अपनी मोहर लगाई है अनुपस्थित रह के। फिर बाकी मैं तो फिर कहूँगा उनको कि देखो, ये बोर्ड है, हमने कभी भी इस बात का ये नहीं किया कि हम बहुमत में, हमने सदैव सदैव बैठ के, या तो लेट भी आए तो आज ये पहली बार लेट नहीं हुए। मैंने वहाँ के सदनों में भी 15-15, 20-20 मिनट बैठ के इसलिए इंतज़ार किया कि सब आ जाए, इसलिए चर्चा पे करा कि सब चर्चा में भाग लें। तो मेरी जो मंशा थी वो मंशा है, आने वाले नहीं आने वाले उनका अधिकार है, आए नहीं आए इसका जवाब वो देंगे या शहर की जनता उनको देगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।